अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फोर्थ पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और बाकी मेजर कॉन्सेप्ट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो लास्ट रह गए हैं उसमें से कुछ जो है वो आज हम कवर करने की कोशिश करते हैं और आज हम इसको वाइंड अप कर देंगे। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मोर फ्रिक्वेंटली देन एनुअली, आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर आपको इंटरेस्ट रेट एक साल में एक से ज़्यादा दफ़ा मिलता है, अगर सेमी एनुअली मिलता है या क्वार्टरली दो दफ़ा मिलता है या साल में तीन चार दफ़ा मिलता है, तो आप उसको किस तरह से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये आज हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं, सेमी एनुअली कंपाउंडिंग, क्वार्टरली और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब है कि हम साल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो सेमी एनुअली का मतलब ये कि टू पार्ट्स बनेंगे इसके। ठीक है, और फिर हम करने वाले हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, ये सेमी एनुअली टू क्वार्टर, ये थ्री मंथ का क्वार्टर होता है, तो ये साल में एक साल को अगर हम कंपेयर करें तो ये फोर क्वार्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग ये किस तरह सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सेमी एनुअली कंपाउंडिंग को। सेमी एनुअली कंपाउंडिंग अगर आपको साल में एक से ज्यादा दफा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो कंपाउंडिंग का सिंपल जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था फ्यूचर वैल्यू का, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आर की पावर एन, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो अगर हम मोर देन एनुअली करेंगे तो इसका मतलब क्या है, सेमी एनुअली ये जो एम है यहाँ पे इसको हम इंक्रीज करेंगे, एन को एम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आर को हम एम पे डिवाइड कर देंगे, ये हमारा फार्मूला। M किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सेमी एनुअली आ रहा है ये मोर देन एनुअली से ज्यादा चीजें आ रही हैं, जिसको हम कहते हैं कि कंपाउंडिंग मोर देन एनुअली। ठीक है, तो वो जो कंपाउंडिंग का जो पीरियड है उसको हम M से डिनोट कर रहे हैं, N हमारे पास नंबर ऑफ इयर्स हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू 100 है उसकी, आर हमारे गिवन है 8% और एन गिवन है 2%। अगर आपको क्वेश्चन में ये चीजें गिवन हो तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए यहां पे हम सॉल्व करते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, आपको कितनी गिवन है 100 आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई है, यहां पे मल्टीप्लाई का आप निशान डाल सकते हैं। चलिए हम इसको 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब हमारे पास फॉर्मूला के मुताबिक आर हमारे पास कितना है 8%, तो ये कितना आ जाएगा 0.08। डिवाइड करेंगे हम, जो हमने कहा है कि जो नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं कंपाउंडिंग, वो एम से हम डिनोट कर रहे हैं, तो वो कितने हैं, अगर तो सेमी एनुअली कर रहे हैं तो वो कितने हैं 2, तो 2 से यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऊपर क्या है हमारे पास एन, एन हमारे पास कितना है नंबर ऑफ ईयर्स 2, मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, 2 कौन सा आएगा, ये एम वाला आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 प्लस, पहले तो ये 2 बाय 2 कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, पहले सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे 0.08 को 2 पे, तो ये हमारे पास आएगा 0.04 पावर है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लें 4 आ जाएगा। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय, अब हम इसको पहले प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 1.04 उसकी पावर लगेगी 4। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय, अब 1.04 की हम पावर ले लेते हैं 1.04, ये हमारे पास पावर आ जाएगी 1.1698। अब इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्यूचर वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी 116.98, 116.98 हमारे पास क्या आ गई फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, अगर हमारे पास सेमी एनुअली इंटरेस्ट हमें मिल रहा हो, मतलब साल में दो दफ़ा हमें इंटरेस्ट मिल रहा हो, हर 6 माह के बाद इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो हमारे पास ये वैल्यू जनरेट हो जाएगी। हमारे पास बहुत ही सिंपल मेथड है जिसको हम इसके साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आपने जितने भी कंपाउंडिंग ईयर, वो कह रहे हैं ना कि अगर वो कह रहे हैं कि साल में दो दफ़ा मिल रहा है सेमी एनुअली, अगर क्वार्टरली कह रहा है तो वो क्वार्टर हमारा बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 4, एम की जगह पे हमारा 4 आ जाएगा, एम हम कंपाउंडिंग कहते हैं कि मोर देन एनुअली जो उससे ज़्यादा हो रहा है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने जो यहाँ पे सॉल्व करना है वो है हमारे पास क्वार्टरली कंपाउंडिंग। क्वार्टरली कंपाउंडिंग के अंदर हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर जो एम है हमारा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला होगा हमारा जो कि है हमारा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर पावर है एन, इसको हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे और एम से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। एम रिप्रेजेंट कर रहा है कंपाउंडिंग को, जितने साल का हम करें, क्वार्टरली है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 100 1 प्लस
आर हमारे पास कितना 8% 0.08 डिवाइडेड बाय 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 2 हमारे पास नंबर ऑफ इयर्स हैं और 4 हमारे पास कंपाउंडिंग पीरियड है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू अब हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.02 0.08 को 4 पे डिवाइड करने से 0.02 आएगा और 1 प्लस 0.02 की पावर है 8 फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय अब ये आ जाएगा 1. हम इकट्ठा ही कर रहे हैं 1.02 की पावर ले लेंगे हम यहाँ पे 8 जो कि हमारे पास आएगी 1.1716 अब हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये आ जाएगा 117.16 ये क्या है ये आ गई है फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग के साथ ठीक है मोर देन एनुअली क्वार्टरली कंपाउंडिंग हमने फाइंड आउट यहां पे कर लिया फ्यूचर वैल्यू अगर आपको 4 दफा इंटरेस्ट रेट मिलता है एक साल के अंदर तो हम उसकी वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं तो यहां पे 2 कंप्लीट हो गए अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग थोड़ा सा डिफरेंट किस तरह से है इसका मतलब यह कि आपको कंटिन्यूस कंपाउंडिंग जो है फ्यूचर वैल्यू मिलती रहेगी इसकी कोई लिमिट नहीं है मतलब नंबर ऑफ पीरियड फिक्स नहीं है कि 2 साल के लिए 3 साल के लिए 4 साल के लिए मिलेगा ये अनलिमिटेड टाइम के लिए आपको कंटिन्यूस है ये चलता रहेगा ये मिलता रहेगा तो ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का हम किस तरह से सॉल्व करेंगे यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू होगा या सीएफ हम इसको बोलते हैं ठीक है मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ पे e लिखते हैं e इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पे जो कि आपके कैलकुलेटर में आपको वैल्यू मिल जाती है e की ठीक है जो कि 2.7183 होती है अप्रोक्सीमेटली तो यहाँ पे e एक्सपोनेंशियल वैल्यू है हम इसको यहाँ पे करेंगे r मल्टीप्लाई बाय n r से मुराद यहाँ पे है रेट ऑफ रिटर्न ठीक है रेट ऑफ रिटर्न और n यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स हैं जो कि हमारे सेम ठीक है नंबर ऑफ पीरियड्स ठीक है अब यहां पे ये 2 चीजें हैं और इसकी ये वैल्यू है ये बेसिकली फॉर्मूला है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे सेम क्वेश्चन है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 100 है मल्टीप्लाई बाय ई की जो वैल्यू है वो मैंने आपको बता दी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि आपको आपकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जिसकी होती है 2.7183 ठीक है ये हमारे पास वैल्यू है अब आर रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न जो कि हमारे पास 8% 0.08 मल्टीप्लाई बाय एन नंबर ऑफ पीरियड्स हैं जो कि हैं 2 ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 100 हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे ये अगर इसको मल्टीप्लाई करें 0.08 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा 0.16 ठीक है 0.16 की फिर हम पावर ले लेंगे 2.7183 की पावर आ गई 0.16 जो कि है हमारे पास 1.1735 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें हमारे पास क्या आ जाएगा 117.35 ये है फ्यूचर वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स आपके पास ना हो जो कि कंटिन्यूस मिलता रहे यहां पे कोई मेंशन ना हो आपको कि जी ये सेमी एनुअली कर रहे हैं एनुअली कर रहे हैं आप तो कंटिन्यूस अगर हो आपके साल चलते रहें तो आपको आपके पास जो वैल्यू है वो आपने इस तरह से उसको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे सिमिलैरिटी आपको क्या मिलेगी देखें 116.98 है 117 अप्रोक्सीमेटली ये भी 117 और ये भी 117 ठीक है तो इसका मतलब है हमने एक ही क्वेश्चन को हमने सेमी एनुअली और क्वार्टरली और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग मेथड तीनों डिफरेंट है तीनों डिफरेंट तरीके से हमने किए लेकिन आंसर क्या आएगा सेम आ रहा है हमारे पास ठीक है तो यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था जो कि आप इसको नोट कर लें इसके बाद जो है हम नेक्स्ट परपेचुटी करते हैं नाउ लेट्स फाइंड आउट द परपेचुटी फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और परपेचुटी होता क्या अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि परपेचुटी फाइंड आउट करें या वो इसको आपको नंबर ऑफ इयर्स नहीं बताए जाते तो आपको क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे परपेचुटी होता क्या
परपेचुटी में सिर्फ हम प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी बात यह है कि परपेचुटी इसलिए फाइंड आउट किया जाता है कि जब आपको नंबर ऑफ पीरियड इन्फिनिट टाइम तक के लिए गिवन ना हो, जिसको आप जानते ही ना हो कि नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं और वो इन्फिनिट लाइफ थ्रू आउट योर लाइफ वो चलनी हो, उसके लिए हम जो है ये फाइंड आउट करते हैं बेसिकली परपेचुटी। एन एन्युटी विद एन इन्फिनिट लाइफ प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस एनुअल कैश फ्लोज, ठीक है, एक एन्युटी होती है जो कि आपको इन्फिनिट लाइफ टाइम तक कैश फ्लोज प्रोवाइड करती है, उसको हम परपेचुटी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला क्या है, जब भी आपको परपेचुटी का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू सी एफ ओवर आर। सी एफ हम कैश फ्लो को कहते हैं, पीएमटी भी कहते हैं, कुछ भी आपको आ सकता है, ठीक है, जो भी अमाउंट आ सकती है। सी एफ इज डिवाइड बाय आर, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, सपोज करें हमें क्वेश्चन आ जाता है सी एफ हमें जो है वो गिवन है जो कि 2 लाख, 2 लाख आपको गिवन है और आर भी गिवन है, आर जो कि आपको गिवन है 10%, ठीक है, ये दो चीजें हमें गिवन है और हमने क्वेश्चन सॉल्व करना। अब इसका मतलब क्या है, हम ये बेसिकली चाह रहे हैं कि हर साल आपको 2000 या पूरी लाइफ टाइम तक के लिए ये 2 लाख रुपया जो कमाने के लिए आपको हर साल के बाद 2 लाख रुपया मिले, उसके लिए आपको कितने पैसे आज जमा करवाने पड़ेंगे कि आप पूरी लाइफ टाइम तक जो है वो 2 लाख हर साल आपको मिलता रहे, ये बेसिकली इसके पीछे लॉजिक है। तो वो उसके लिए हमने ये प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि आज हम कितने डिपॉजिट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू सी एफ हमें गिवन है 2 लाख डिवाइडेड बाय आर है हमारे पास 0.10, ठीक है, चले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू को, इसको अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 20 लाख, आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास जो आंसर आएगा 20 लाख, ठीक है। अगर हम 20 लाख रुपया डिपॉजिट करवाएं आज और थ्रू आउट लाइफ हम जो है वो हर साल 2 लाख रुपए तब वो ले सकते हैं, अगर आज की डेट में हम जो है वो 20 लाख डिपॉजिट करवाते हैं, इसको हम बोलते हैं परपेचुटी में प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। तो जब भी आपको एग्जाम के पार्ट ऑफ क्वेश्चन आएगा तो आपने उसको इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको आज बताया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं बेसिकली डिटर्मिनिंग डिपॉजिट्स नीडेड टू अकोमोडेट अ फ्यूचर सम। हमने प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड आउट की, हमने फ्यूचर वैल्यू भी फाइंड आउट की। अगर हमें यह कहा जाए कि भाई कैश फ्लो को फाइंड आउट करो, हर साल कितने पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे एक अमाउंट को जनरेट करने के लिए, तो उसके लिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये उसका फॉर्मूला है बेसिकली। ये देखें, हमने सी एफ फाइंड आउट करना है, यहां पे कैश फ्लो फाइंड आउट करना है। पहले हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करते थे या प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते थे, अब अगर हमें सी एफ फाइंड आउट करना आ जाए तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो इसको ये मैंने हेडिंग भी दी है कि फ्यूचर हमने फाइंड आउट करना है। हम सपोज करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन भी है, फ्यूचर वैल्यू हमें चाहिए 5000, नंबर ऑफ इयर्स 3, आर है 12%। अगर 5000 चाहिए, 3 साल बाद में 5000 चाहिए 12% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, तो हम आज जो है वो सी एफ हमें कितना हमारे पास हर साल कितना कैश फ्लो मिलना चाहिए उसको फाइंड आउट करने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं, सी एफ इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू आपको गिवन होगी 5000 डिवाइडेड बाय, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 1 + R हमारे पास कितना है 12, तो ये कितना आ जाएगा 0.12, पावर कितनी आ जाएगी नंबर ऑफ ईयर 3 आ जाएंगे, -1/R है हमारे पास 0.12, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सी एफ इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब ये आ जाएगा 1.12, 1.12 की पावर ले लेंगे हम 3, 1.12 की पावर आ जाएगी हमारे पास 3, जो कि आएगी 1.4049, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं 1.4049, माइनस करेंगे इसमें से 1 डिवाइडेड बाय 0.12, ओके। नेक्स्ट सी एफ 5000 डिवाइडेड बाय, अब हम इसमें से माइनस करेंगे 1.4049 माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0.4049, 12 पे हम अब इसको डिवाइड करने वाले हैं, सी एफ इजिकल टू 5000 डिवाइडेड बाय, अब हमने किस पे डिवाइड करना है, लेट्स सी 0.4049 डिवाइडेड बाय 0.12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.37, 3.3741। अब हम डिवाइड कर लेते हैं 5000 को डिवाइडेड बाय 3.3741,
तो ये हमारे पास आ गया कैश फ्लो जो आएगा वो आएगा 1481.87। हम राउंड अबाउट करके इसको 1482 कर देते हैं जो कि है कैश फ्लो। इसका मतलब ये है कि हमें हर साल जो है वो 1482 रुपये 1482 का कैश फ्लो मिलेगा फॉर थ्री ईयर टू जनरेट दैट द वैल्यू ऑफ 5000। 3 साल बाद 5000 की वैल्यू जनरेट करने के लिए हमें हर साल जो कैश फ्लो कितना 12% रेट पे 1482 रुपीज हमारे पास होने चाहिए, तभी हम जो है वो 5000 आफ्टर थ्री ईयर जो है वो वैल्यू जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे अब CFB फाइंड आउट कर लिया। जितने भी मेजर आप इसको नोट कर लें, जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट थे वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। एन्यूटी मिक्स्ड स्ट्रीम सिंगल अमाउंट के साथ, उसके बाद परपेचुटी, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, और जो है हमने सेमी एनुअली, एनुअली, ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो इस चैप्टर के अंदर हमने देख लिए हैं। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में हम अब कैपिटल बजटिंग को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।